आरोपी राजी कुरेशी जो कई लोगों की नींदें और खुशियां उड़ाकर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो एक के बाद एक खुद नए नए खुलासे करता हुआ जा रहा है। जहां कभी यह मामला लोगों को ठगने का था, वहीं इस मामले से आए दिन पर्दे हटते जा रहे हैं। पर फिर भी अब तक फरार आरोपी पुलिस के हाथों नहीं लगा है, पर खुद को फरार आरोपी नहीं बल्कि अब खुद को शहंशाह समझ रहा है। जी हाँ, आप ही सुन सकते हैं कि खुद राजी कुरैशी अपने आप को हिंदुस्तान का राजा बता रहा है। अपने आप को न केवल खुद का राजा बल्कि दूसरे लोगों को, खुद देश को गरीबों का देश कहकर अपमान करने से भी नहीं रुक रहा है। आपको बता दें कि राजी कुरैशी ने अब तक लोगों के बारे में भला बुरा कहा, लेकिन अब बात हमारे देश पर आ गई है। देश के लोगों को वह कंगाल कह रहा है। आइए हम खुद ही आपको सुनाते हैं कि किस तरह राजी कुरैशी ने हिंदुस्तान का अपमान किया है। तुमने अपने देश की औकात 1 करोड़ रुपए देने की, 1 करोड़ वो भी बंद कर दिया, विड्रॉल हेवी लिक्विड। दूसरे दिन पहुंचा दी ईडी 1 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी बेचने वाला इंसान को लेकर के। अच्छा, बी2बी में बेचना पड़ता है। हाँ, सही बोल रहे हो। तो मैं विड्रॉल ढूंढता हूँ और पैसे इनको देते जाता हूँ। अच्छा, अब ये बोलते हैं कि कहीं चीज़, मैं कभी किसी एक विड्रॉलर के पास मैंने कोई अकाउंट नहीं बोला, पर ये आदेश देता है लोग हराम खोरे मेरे चोर, मालूम है क्या? अभी बहुत सारे लोग झूठ झपाट भी बोल रहे हैं, चालू कर दिए, बोलते वहाँ पे हिसाब में कि जितना पैसा था नहीं उतना भी है, बोल रहे बोलते कुछ लोग बाबा रे सब लिखा हुआ है, जिसने जितना दिया उसका। बस मेरे घर में बोले लोग पता मारने आए थे, तो वहाँ पे मैंने अच्छे ऐसे लोग देखा, बोले कि जिनका मेरे को कभी सकल ही नहीं देखा। हाँ, मतलब एक ने 50,000 लगा तो उसमें कुछ 4 लोग मिट्टी उठी आ रहे तमाशा देखने के लिए, क्योंकि लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार बहुत है। दरअसल ये नया ऑडियो जो सामने आया है उसमें एक और शख्स का खुलासा, दिलीप की बहन जो कि खुद एक एजेंट होने के साथ ही खुद को लोगों का मसीहा और समाज सेवा बताने का झूठा दावा करती है, वो भी इस मामले में उसे पूरा साथ दे रही है। इतना ही नहीं तो इस मामले में प्यारू पहलवान नामक एक शख्स के बारे में भी बार बार जिक्र किया जा रहा है। आखिर कौन है ये प्यारू पहलवान? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है जिसे सुलझाना अब पुलिस के लिए भी मानो टेढ़ी खीर साबित हो रही है। वो प्यारू पहलवान है, अरे कि वो 2-3 कुरैशी है। हाँ, इतनी बातें करे ना, देखना तुम जब बांट देंगे ना, हाँ, लोगों के मुंह कैसे रहेंगे। मैं क्या बोला? हाँ, अभी तुम्हारा पूरा मालूम है क्या? हाँ, सुनो ना। हाँ, बोलना। तरी छपा था पूरे ताजबाग भर में, तुम देखो ना, देखो ना, ये मर्दों पे भरोसा नहीं रहा। हाँ, सुन रहे हो कि नहीं? तुम वो काम करके दिखाएंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या बोला, वो प्यारे खान को अपने को भगाना है। हाँ नहीं, वो प्यारे बहन की बात नहीं, प्यारू पहलवान है, प्यारू पहलवान, वो प्यारू पहलवान बहुत परेशान कर रहा है, उसका 6 लाख रुपया है, वो बहुत परेशान कर रहा है। प्यारे खान अलग है, ये प्यारू पहलवान की बात हो रहा है। हाँ, प्यारू पहलवान अलग है। और मैं देखो क्या बोल रही हूँ, तो जल्द से जल्द कर मेरे बच्चे, और जल्द से जल्द कर दे, कि तो बहुत तकलीफ में है हम लोग और बहुत परेशानी में, रमजान लगने वाले है। MD के नशे में चूर लोगों तक पैसे बांटे जा रहे हैं। आखिर कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कहाँ से आ रही है MD की खेप? शहर में इस ड्रग्स की खेप आखिर कहां से इतने बड़े पैमाने पर आ रही है? इस मामले में आपा का क्या रोल कॉल है? ये भी एक बड़ा सवाल आज हम सबके सामने खड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि यह मामला आगे और कौन सा मोड़ लेगा और कब तक आरोपी पुलिस के चंगुल से बाहर रहेगा। इतने बड़े धोखाधड़ी के मामले में हर एक पहलुओं को हम आप तक लगातार पहुंचाने में सफल रहे हैं, और आगे यह मामला कौन कौन से नए खुलासा करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही इस मामले में एक और बड़ा सवाल कि इस राजी कुरैशी को अपने आप को समाज सेवी बताने वाली आपा, प्यारू पहलवान, साथ ही पुलिस प्रशासन, इसके अलावा ऐसे कौन से बड़े बड़े लोग हैं जो उसके इस कारनामे में शामिल है, अब तक इनका भी पता नहीं चल पा रहा है।